देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। अभी जो भी माहौल है, अभी मैं केस के बारे में ज्यादा नहीं इसीलिए जो केस के बारे में अभी हम लोग तभी केस हमारा चल रहा है, अभी शिव कुमार का भी है, इसीलिए अभी जब तक हमारे वकील साहब से बात करके मैं अभी बता पाऊँ वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारा केस चल रहा है, टॉर्चर किया गया है और वो भी जेल में है, तो अभी उस तरह को बहुत चंडीगढ़ हॉस्पिटल में उसको कर दूंगी। तो जो भी मजदूर हैं, जो भी किसान हैं, खड़ी रहेंगे, लेकिन अभी मैं देखो एक मजबूरी क्या है, मेरी बात सुनो। मैंने आपका केस लड़ा, कुछ कहना चाहेंगे? अगर मैं एक आम लड़की हूँ, 307 में बाहर नहीं आ सकती थी, आज मैं बेकसूर हूँ, लेकिन बहुत सारी बेकसूर महिलाएं हैं जो 307 में बाहर नहीं आ पाती, लेकिन आज हमारे वकील की वजह से, आज बहुत सारे लोगों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से आज मैं बाहर आई हूँ। दोबारा सिंधु बॉर्डर जाएंगी आप? हाँ जी बिल्कुल जाएंगे। तो किस तरह की आवाज उठाएंगी अपने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए? मजदूरों के लिए हमेशा मैं आवाज उठाती रहूंगी, जब तक उनको न्याय नहीं मिलता हम लोग ऐसे खड़े। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने आपकी लड़ाई लड़ी और अन्य भी जितने जो किसान भाई हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद करते जिन लोगों ने आज मेरे साथ खड़े, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और आगे भी मैं लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। और मैं एक आम लड़की हूँ, मैं इतनी खास लड़की नहीं हूँ कि भाई मेरे लिए इतने कैमरा आए हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज भी लोगों की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन आज इतने कैमरा आए हैं, मैं इतनी बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी। सोनीपत पुलिस ने आपका एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें जो है कुछ आप उसके बारे में, वो एडिट की हुई वीडियो है, हम अभी धीरे धीरे वो सारी वीडियो आपके आगे पेश करेंगे, क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ है। अभी हमारे अभी मैं अपने केस के बारे में अभी वकील से बात करके, अभी हमारा केस बंद नहीं हुआ है, अभी मुझे इतना भी दिमाग में नहीं है कि भाई मैं सारा कुछ बता पाऊँ। अभी जी मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आज के टाइम में अमीर गरीब का पारा इतना बढ़ गया है कि नवयुवकों को बाहर आना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, और जो लोग हैं जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिनके लिए और लोग लड़ रहे हैं, हम सबको आगे आना होगा ताकि जो लोगों को न्याय दिला पाए, और मजदूर किसान और महिलाओं के लिए हम लोग आगे आके लड़े। मैं यही बोला, आज की जजमेंट में ये कहा गया है, आज की जजमेंट में ये कहा गया है कि ऐसा नाम नवदीप कौर का दोबारा ऐसे केसों में ना आए, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगी आप? देखिए जी मैंने पहले भी कुछ गलत नहीं किए थे, मैं आगे भी कुछ गलत नहीं करूंगी। मैं अभी सबको ही बोल रही हूं, मैं पहले भी कुछ गलत नहीं कर रही थी, आगे भी मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। हम कानूनी दायरे में रहकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस दिन जो भी हुआ है कि भाई उस दिन के बारे में मैं आपको वीडियोस जारी कर दी जाएंगी, क्योंकि वीडियोस हमारे पास सारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम को संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? देखिए जी वही है जी, जो न्याय है जनता के लिए, न्याय के लिए जनता जो मांग रही है उनको मिलना चाहिए। अंदर नहीं जी, यहाँ पे ये है कि अलाउड नहीं, सिर्फ फैमिली वालों को ही अलाउड है कि वो मिल सकते हैं, तो इसलिए बाकी किसी को मिलने नहीं दिया। कोरोना की वजह से दो ही मलाई हो सकती है, किसी से मिलने तो नहीं दिया गया। के लिए आप सालों से संघर्ष कर रहे थे, पहली बार गिरफ्तारी हुई आपकी? जी गिरफ्तारी पहली बार हुई, लेकिन हम पहले से ही हम लोग काम कर रहे थे और आगे भी काम। हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन आई थी प्रीति भारद्वाज, आपसे मुलाकात भी की थी, उन्होंने कहा था कि आप अंदर जो हवालाती हैं बाकी उनको कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है, क्योंकि अगर उन्होंने क्या हर हवालाते से बात की, आप जान सकते हो कि किसी से कोई मिलने का अलाउड ही नहीं है अंदर। आप पूछ सकते हो कि किसी को भी मिलना अलाउड नहीं है अंदर, कोई भी मिलके नहीं गया है, सिर्फ मेरे फैमिली वालों को सिर्फ दो 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 मिलाई थी अलाउड थी, वो हुई है और मैं किसी से नहीं मिली अभी तक। और जो भी बात है वो जो भी फाइलों में लिखा जाता है कि मेरा रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसी वजह से आज मेरी बेल हुई है। और जो सुपरिटेंडेंट साहब डिप्टी साहब उन्होंने बताया कि मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, साफ कहा कि सारा रिकॉर्ड में कोई कमी नहीं है। लोग मेरे आरोप भी लगाएंगे और मेरे फेवर में भी खड़े होंगे, तो आप अच्छे तरीके से क्या लगता है आपको क्यों नहीं मिलने दिया गया, क्या कारण रहे? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बोल रहे हैं कि नहीं मिलने दिया जा रहा था, इसी वजह से मिलने कारण लगते हैं राजनीतिक कारण थे, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि मैं अंदर बंद थी, मुझे कुछ नहीं पता। सबसे पहले कहां जाएंगे आप, किसान मोर्चे पे जाएंगे? अभी जी किसान आंदोलन में भी अभी मुझे कुछ नहीं पता कि मैं अपने घर वालों के साथ हूं, जहां पे भी
एक आखिरी सवाल, सोनीपत पुलिस ने टॉर्चर किया था? हाँ जी किया था, टॉर्चर बुरे तरीके से किया गया था मेरे साथ, क्योंकि उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी उस तरीके से नहीं बता सकती। बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर भी किया गया, मेरे निशान भी थे, मेडिकल रिपोर्ट भी आई है। शिव कुमार को बहुत बुरे तरीके से मारा गया है। अभी शिव कुमार की भी देख सकते हैं आप कैसा हालत है, उसकी हड्डी टूट रही है, अभी उसको हॉस्पिटल चंडीगढ़ हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाएगा। तो शिव कुमार के बारे में सब और आज लोग ही हैं जिन्होंने मुझे बाहर निकाला है, और लोगों के लिए हमेशा मैं खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले भी मैं सही हक के लिए लड़ रही थी और आगे भी लड़ूंगी। ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, क्यों हुआ सिर्फ? देखो जी, पहले भी मैं हमेशा हकों के लिए आवाज़ उठाती रही हूँ। जिनके खिलाफ मैं आवाज़ उठाते हैं, जो कंपनी मालिक होते हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, तो वो कभी नहीं चाहते कि जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनके खिलाफ खड़े हों। तो जो भी उनके लिए खड़ा होते, तो उनको जेल में डाला ही जाता है, तो उनकी आवाज़ दबाई जाती है। तमाम मजदूर किसान आंदोलन में सिंगू बॉर्डर पर लंगर के लिए आते थे, तब भी आप उनको समझाते थे कि उनका शोषण हो रहा है फैक्ट्रीज में? किस तरह का शोषण होता था उनका? देखो शोषण आप देख रहे हैं जी, क्योंकि आपके पास कैमरा है, आप भी समाज में रहते हो, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि किसानों मजदूरों किस तरीके शोषण हो रहा है। जो किसान खेत में काम कर रहा है, उसे बिना पूछे कानून लागू कर दिए जाते हैं। तो हम लोग किसानों के लिए बोल रहे हैं, मजदूरों के लिए बोल रहे हैं कि लेबर कोड, जिस तरीके से लेबर कोड आया कि 8 घंटे का टाइम 12 घंटे कर दिया गया, बहुत सारे काले कानून आ रहे हैं जो जनता के हक में नहीं है, जनता के विरोधी कानून है, तो ऐसे कानून नहीं आने चाहिए। और एक कुछ किसान जो है अपनी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, तो उन तक मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसा काम ना करें? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फसलों को नष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं उनके दिल का हाल नहीं जान सकती, क्योंकि वो किस तरीके से, क्योंकि कोई भी किसान अपनी फसल को बच्चों की तरह पालता है, किसी का मन नहीं करता कि अपनी फसल को ऐसे नष्ट करे। तो इसीलिए जो भी किसान इस तरीके से कर रहे हैं, तो उनका हाल आप उनके घर पे जाके पता कीजिए, क्योंकि मैं एक मजदूर की बेटी हूँ, मैं किसान की बेटी नहीं हूँ। लेकिन किसानों का हाल आप किसान के पास जाकर पूछे तो वो ज्यादा बेटर। किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहिए? किसान अपने घर छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, अपनी फसल छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो किसान बिना आवाज़ जो है बैठे नहीं है, किसी का मन नहीं करता सड़कों पे बैठने का, तो किसान अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। तो जो भी लोग हैं उनको ये बोलना चाहिए उनके हक के लिए, ताकि वो अपने घर जा पाए और वो रास्ता खुल पाए। जिन लोगों को लग रहा है कि रास्ता जाम हो गया, जो कुछ भी जाम हो गया, तो उनके हकों के लिए आप भी बोलो, ताकि वो अपनी मांग पूरी करके। आप अंदर हैं, तब से मीडिया, सोशल मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अखबार हो, आपकी यानी आवाज सरकार तक लोगों तक पहुंचा रहे, कुछ लगता है आपको कि इसका भी कुछ रोल रहा? देखिए जी, जो जनता के लिए काम करता है, जनता उसको कभी भूखा नहीं मरने देती, जनता उसको साथ देती है। जिन लोगों का मैं आज तक साथ देती रही हूँ, जिनकी मैंने आज तक हेल्प की, उन्हीं लोगों की वजह से आज मैं सबके सामने आई हूँ। वरना अगर मैं कुछ नहीं करती, मैं कुछ गलत काम करती होती, तो लोग मेरे पीछे नहीं बोलते। विदेश के, दुनिया में ये बड़ी जरूरी है, दुनिया के बाहर के लोगों का भी साथ, दुनिया के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने, बाहर के लोग, ऑल वर्ल्ड, जितने भी लोगों ने मेरे लिए आवाज उठाई, सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्योंकि 307 का ऐसा केस है जिसमें बरी होना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं 1.5 महीने से, मतलब 1.5 महीने से पहले ही बाहर आ गई हूँ, तो इन लोगों की वजह से बाहर आई हूँ। जो सुविधाएं आपको लग रहा है कि पूरे तरीके से जो मिलनी चाहिए मिलती रही हैं? देखिए जी, जेल के बारे में क्या बताऊँ जी, जेल के जेल तो जेल होती है जी। जेल का मतलब ये होता है कि जो क्रिमिनल होता है, तो उसको इस तरीके से रखा जाए कि ताकि उसको एहसास हो कि वो गलती करके आया है। महसूस हुआ आपको क्या? देखो जी, मैंने कोई गलती की ही नहीं, तो मुझे क्या महसूस होगा? मैं और भी अच्छे तरीके से काम करने के लिए शांत तरीके से बैठी, मैंने सोचा, मैंने पढ़ा भी, और मैं आगे भी चलकर यही लोगों के लिए काम करती रहूंगी, और आगे भी जो भी हमारे केस के लिए हम आगे वकील साहब से बात करके सबके सामने हम बात रखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, उसमें सारी बातें बुलंद है। हौसले पूरे बुलंद रहे, हौसले पूरे बुलंद रहे। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन चोरा ठगा तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान, फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 9647 84374 9648। बाबा सुल्तान बंगाली 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट, सारिया थावा तो निराश थे, मायूस होने वाली, एक बार फोन जरूर करो, जीवे चाहोगे ओवे होएगा, इट्स माय प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज, इल्मा दिमाही रे टू जेड समस्यावा दा फोन ते कर बैठे करवाओ हल, वशीकरण ते मुठकर नी, लव मैरिज सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अस्टाम पेपर ते लिख के सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी जानबन, जादू टोना, मनमोड़ी वशीकरण करवाओ जा तुड़वाओ।
गुस्से नूं मनाउणा, फोन 95603-9450, 95603-9451। पंडित राधे शर्मा चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने, 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल। मुसलमानी रूहानी ते काले इलम दे बादशाह, मेरे कीते नूं मेरे तों इलावा कोई कट नहीं सकदा। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मनचाह प्यार पाओ, लव मैरिज, सौतन दुश्मन तों छुटकारा, तलाक केस, जमीनी झगड़ा, नौकरी कारोबार च रुकावट, विदेश यात्रा, लॉटरी तों तुहानूं मिलेगा जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स, तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी। प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर मिलो, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा। मोबाइल 98 788 045 80 85 588 38 617।